फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग देखने वाले फ्रेमिंग और उसके मेथड्स कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि द बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड इज फर्स्ट ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट फ्रेम्स एट द डेटा लिंक लेयर। तो मतलब जो भी हम लोग डेटा बिट्स, जो स्ट्रीम ऑफ डेटा बाइट्स है अपना, उसको जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसको वो जो डेटा लिंक लेयर से जो ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स आ रहे हैं उसको हम ब्रेक करते हैं इनटू डिस्क्रीट फ्रेम्स। मतलब हर एक का एक छोटा छोटा सेट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। और उसको गारंटी करने के लिए कि वो जो बिट स्ट्रीम हमने बनाया वो एरर फ्री है कि नहीं, हर एक बिट स्ट्रीम में एक चेकसम डाल देते हैं हम उसके एंड में, ताकि रिसीवर एंड पे ये कंफर्म हो सके कि हाँ वो एरर फ्री है और उसको हम एज ए डेटा कंसिडर कर सके। तो इसी प्रोसेस को, मतलब ब्रेकिंग द बिट स्ट्रीम इनटू फ्रेम्स, इज कॉल्ड फ्रेमिंग। ठीक है, तो ये कैसा दिखता है फ्रेमिंग, कि जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा ये सेंडर है और समझो ये रिसीवर है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद एक फ्रेम सेंड करता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद एक फ्रेम सेंड करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मेथड्स पे। तो फ्रेमिंग मेथड्स में पहला मेथड है अपना कैरेक्टर काउंट मेथड। अब इसके नाम में इसका पूरा जो है प्रोसेस छुपा हुआ है। तो इन दिस मेथड अ फील्ड इन द हेडर इज यूज टू स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द फ्रेम। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ब्लू में, हर एक फ्रेम के स्टार्टिंग में उसके हेडर में ना एक कैरेक्टर काउंट डाल देते हैं कि वो टोटली वो फ्रेम कितने बिट्स का है। यहाँ पे 3 लिख दिया है तो ये फ्रेम जो है अपना 3 बिट्स का है, जैसे कि फर्स्ट बिट अपना कैरेक्टर काउंट स्टोर करने के लिए और बाकी 2 बिट का डेटा। उसी तरह ये 8 बिट इस फ्रेम का साइज है, जिसमें 7 बिट का डेटा है और 1 बिट का कैरेक्टर काउंट है। तो इस तरह हम फ्रेमिंग मेथड में कैरेक्टर काउंट यूज करते हैं कि हाँ भाई, हमने एक फ्रेम है समझो 6 बिट का डेटा है मेरे पास, तो टोटली मेरा 7 बिट का होगा क्योंकि पहले बिट में मैं उसका कैरेक्टर काउंट डाल दूंगा 6 करके। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज हो गए अपने कैरेक्टर काउंट। तो ये पहला मेथड था कैरेक्टर काउंट मेथड। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर विथ कैरेक्टर स्टफिंग। अब यहाँ पे नाम थोड़ा बड़ा है पर काम वैसे ही दे रहा है। ये भी इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग में हम कैरेक्टर्स डाल रहे हैं। तो अभी जो हमने पहला मेथड देखा कैरेक्टर काउंट का, उसका एक बेसिक ये है डिसएडवांटेज, वो क्या है एक बार देख लेते हैं अपन वापस, कि अगर समझो ये कैरेक्टर वाला बिट ही लॉस्ट हो गया तो क्या रिसीवर को कभी पता चलेगा कि एक्चुअल में वो फ्रेम का साइज क्या था, क्योंकि फ्रेम साइज तो वेरिएबल हो सकता है, कोई फिक्स साइज का फ्रेम तो होता नहीं है। तो इन केस मेरा 3 लॉस्ट हो जाता तो या तो वो इसको पूरा एज अ डेटा बिट कंसिडर कर लेता, या इसको कंसिडर कर लेता, या कंफ्यूज हो जाता। तो ये जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट है वो कैरेक्टर काउंट में प्रेजेंट है। तो इसी चीज को ओवरकम किया है यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर विद कैरेक्टर स्टफिंग में। यहाँ पे क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ कैरेक्टर काउंट मेथड इज सॉल्व्ड हियर बाय यूजिंग अ स्टार्टिंग कैरेक्टर बिफोर ईच फ्रेम एंड एन एंडिंग कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ईच फ्रेम। मतलब समझो तुम लोग के पास डेटा है MNO, 3 बिट का डेटा, ये तुमको ट्रांसमिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कैरेक्टर स्टफ करेंगे और इसके पीछे कैरेक्टर स्टफ करेंगे, और इस पूरे को हम एक फ्रेम बोलेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम क्या, कैसे डिनोट करेंगे हम, STX यूज करके। STX क्या डिनोट करता है, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, मतलब यहां से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। फिर डेटा लिंक एनेबल, मतलब कि हाँ डेटा ट्रांसमिट, मतलब डेटा यहां से चालू हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिट जो होगी वहां से डेटा चालू होगा, और जब अगला DLE एनकाउंटर होगा ना, तो उसका मतलब ये है कि यहां पे ये इतना ही डेटा था, अब यहां से खत्म हो गया, और लास्ट में एंड ऑफ टेक्स्ट मतलब ETX। तो स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम में अपन ने STX और DLE डाल दिया, और एंडिंग फ्रेम में अपन DLE और ETX डाल दिया। तो इससे अपना क्या हो रहा है कि अपन कैरेक्टर स्टफ कर रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, और बीच में डेटा को सिक्योर रख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड क्या है, कैरेक्टर स्टफिंग। अब यहां पे क्या है, हाँ अब जो इसके पहले देखा उसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा था कि जो DLE है ना, कभी कभी ये पार्ट ऑफ डेटा भी हो सकता है, मतलब ये MNO के साथ भी ये डेटा हो सकता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहां पे डेटा ही ये है कि M, DLE और N। तो इन केस अगर हम प्रीवियस मेथड यूज करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा रिसीवर कि इसके बाद याद, इसके पहले STX आना चाहिए था या इसके बाद ETX आना चाहिए था। तो उसी चीज को यहां पे ओवरकम किया, इफ सो दिल बी मिस इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर समझो सेंडर का डेटा ये है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ फ्रेम और एंड ऑफ फ्रेम सेम ही रहेगा, बस इस पर्टिकुलर डेटा के बीच में ना हम एक और कैरेक्टर स्टफ कर देंगे और एक DLE स्टफ कर देंगे उसके पहले, ताकि
उस वो ये पता चले कि हाँ ये डेटा है, ऐसा नहीं कि ये किसी चीज का इंडिकेशन है। तो उसको इंडिकेशन ना रखते हुए डेटा जैसा रखने के लिए हम ये वाला डीएलई स्टफ करते हैं। और अब तुम लोग बोले कि ये डीएलई और ये डीएलई में क्या फर्क है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों को वो डेटा समझे, पर नहीं, ये वाला जो स्टफ डीएलई है ना, ये जो होता है ये आस्काई वैल्यू यूज करते हैं हम इसके लिए, तो ये आस्काई वाला डीएलई होता है। तो इसके लिए इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब जब फिर ये रिसीवर के पास ये डेटा पहुंचेगा तो उसको क्या क्या दिखेगा, एम डीएलई और एन, मतलब जैसा ट्रांसमिट किया था वैसा ही। तो ये बीच का जो है स्टार्ट ऑफ फ्रेम और एंड ऑफ फ्रेम वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर स्टफिंग वाला। अब आ जाते हैं लास्ट वाले मेथड पे, जो कि अपना स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स। अब यहाँ पे नया चीज निकाला है लोग ने, फ्लैग्स विथ बिट स्टफिंग, ठीक है। तो इन दिस फ्रेमिंग टेक्निक द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ ईच फ्रेम और स्पेसिफिक बिट पैटर्न, जो कि अपना 0111110 टोल फ्री नंबर जैसा है पर ये फ्लैग बिट है, तो कॉल्ड द फ्लैग बाइट इज ट्रांसमिटेड। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि समझो तुम्हारा एक ओरिजिनल डेटा है वो इतना बड़ा है, 0100 फिर 6 टाइम्स 1 0 6 टाइम्स 1। अभी तुम लोग सोचे कि इतना बड़ा डेटा क्यों लिया मैंने, तो वो आगे पता चलेगा क्यों लिया है तुम लोग को समझाने के लिए। अब आउटगोइंग डेटा स्ट्रीम, अब इसके आगे हम लोग एज अ सेंडर क्या लगाएंगे, तो हम इसके आगे फ्लैग बाइट और इसके पीछे फ्लैग बाइट लगा देंगे। जैसे वहां पे कैरेक्टर स्टफ कर रहे थे, यहाँ पे हम फ्लैग्स जो फ्लैग बाइट है उसको स्टफ कर रहे हैं। तो वही 0111110 0111110, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं डेटा में, तो एक चीज तुम लोग देख सकते हो कि ये जो पैटर्न है 0111, मतलब इन केस अगर यहाँ पे जो पैटर्न है 61, तो ये भी एक फ्लैग बाइट बन रहा है ना यहाँ पे। तो इन केस अगर डेटा तुम्हारा फ्लैग बाइट जैसा होगा तो वो क्या रिसीवर समझेगा कि इतना सही डेटा था, मतलब वो 3 बिट ही लेगा और इसको फ्लैग बाइट समझ के ये फ्रेम को सिर्फ यहीं तक कंसिडर करेगा, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, बिट स्टफिंग मेथड यूज करके हर 5 कंसेक्यूटिव 1 के बाद, मतलब हर 5 1 के बाद एक जीरो अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे किया, यहाँ 6 1 थे तो हमने 5 के बाद एक जीरो डाल दिया, फिर डेटा कंटिन्यू किया, फिर जैसे एक साथ 5 1 वापस आए हमने वापस एक जीरो अपेंड कर दिया। तो ये मेरे बिट स्टफिंग भी मैंने यहाँ डाल दिया ताकि जो रिसीवर है वो कंफ्यूज ना हो कि फ्लैग बाइट एक्चुअल में कहाँ है, तो फ्लैग बाइट मेरा सिक्योर रहेगा कि हाँ भाई इतना सा मेरा फ्रेम है बीच में। तो ये था अपना क्या फ्रेमिंग मेथड्स, तो ये था फ्रेमिंग मेथड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाले, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। फुल कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क का आपको कहाँ मिलेगा, www.lastmomentation.com पे, वहाँ पे जाके आप फुल कोर्स ले सकते हो। इनके हमने नोट्स भी बनाए क्योंकि एग्जाम में नोट्स जरूरी है यार, तो इसके लिए हमने इसके नोट्स बनाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।